नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रूपाली गांगुली स्टारर टेलीविजन सीरियल अनुपमा अब हर दर्शक के लिए खास होता जा रहा है। अनुपम की बिजनेस वुमन बनने के बाद से इस शो में हर दिन नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। जहां बीते दिनों हमने देखा कि शराब के नशे में अनुपमा का दोस्त अनुज कपाड़िया उसके एक्स हस्बैंड वनराज के सामने अपने दिल की बात कह चुका है, वही अब आने वाले हफ्ते में अनुज अनुपमा को एक सरप्राइज लेटर देने वाला है। अनुपमा को क्वीन कहेगा अनुज आने वाले दिनों में। अनुपमा की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुज ने अनुपमा के लिए कुछ ऐसा प्लान किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि अनुज गोपिका का यानी कि जीके के सामने कहेगा कि काश वह अनुपमा से सही समय पर अपने दिल की बात कह देता तो उसकी जिंदगी फेरी टेल की तरह होती, क्योंकि ऐसी जिंदगी वह डिजर्व करती थी। वह क्वीन है, अनुज कह देगा दिल की बात। इसके बाद अनुज और जीके प्लान करके अनुपमा को अपने घर बुलाएंगे। इसके बाद जब अनुपमा वहां पहुंचेंगे तो उसे टेबल पर एक लिफाफा रखा दिखेगा। लिफाफा काफी खूबसूरत होगा, लेकिन इतना तामझाम देखकर अनुपमा के दिमाग में कुछ शक होगा। वहीं अनुज के चेहरे पर एक स्माइल है, वह अनुपमा से लेटर ओपन करने को बोलेगा। अब देखना होगा कि आखिर इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है। क्या अनुज वाकई अनुपमा से अपने दिल की बात कहने वाला है। बता दें कि आज यानी शनिवार को आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वनराज अपनी पत्नी काव्या को मुंबई में छोड़कर अनुपमा को अहमदाबाद वापस ले आएगा, जबकि अनुज मुंबई में ही रुककर काम करेगा। ऐसे में अनुज और काव्या मुंबई में एक साथ होंगे, लेकिन दोनों के बीच क्या बात होगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लालची काव्या इस मौके का फायदा भी उठा ही सकती है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीएनएन न्यूज।